लंबी आयु हो। कल आप प्रधानमंत्री ने जो लिखा था उसके बाद से लगातार विवाद हो रहा है। सुमित एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए अजीत, कहीं ना कहीं बीजेपी जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, ये मानकर चल रहे हैं कि जानबूझकर ये एक तरह से कॉन्स्पिरेसी रची गई, क्योंकि कल देखिए, कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यहाँ तक कह दिया कि ये कांग्रेस के खूनी इरादे थे जो कि नाकाम हुए, और यहाँ तक भी कहा कि अगर ये सुरक्षा में चूक नहीं थी तो जिस रूट से पीएम मोदी जाने वाले थे उस रूट की जानकारी आखिरकार कैसे प्रदर्शनकारियों को मिली, और पंजाब पुलिस के पास ही ये सिर्फ जानकारी थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये थ्रेट था पीएम मोदी के सुरक्षा में, और जानबूझकर ये सुरक्षा में चूक की गई थी। और देखिए तस्वीर आपको एक बार फिर से हम दिखाएं कि दिल्ली के झंडे वालन मंदिर पर तमाम जो पंडित हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं, और यहाँ महामृत्युंजय का जाप जो है पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपको तस्वीर दिखाएं कि दिल्ली के कोने कोने से यहाँ जो महिला कार्यकर्ता हैं वो पहुंची हैं, और यहाँ पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए यहाँ प्रार्थना जो है वो तमाम महिलाओं की ओर से किया जा रहा है, जो कि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि जिस तरह से कल की घटना हुई है, आप लोग क्या मानकर चल रहे हैं, और आज आप लोग जो पहुंचे हुए हैं वो पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, हम पीएम मोदी की लंबी आयु के लिए यहाँ आए। देखिए उनके साथ ये अच्छा नहीं लगा। हम चाहते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सदा खुशहाल रहे और स्वास्थ्य से सदा रहे, ताकि हमें उनका आशीर्वाद सदा मिलता रहे। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग शास्त्री नगर से हैं। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं। जो कल उनके साथ हुआ, उनके साथ कभी ऐसा दोबारा ना हो, जो आघात पहुँचा है उसे भगवान से प्रार्थना करने के लिए आए हैं कि वो हमेशा सुखी रहे, मतलब लंबी आयु रहे। जो षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा गया है, उनको मुँह पे तमाचा मारा जाएगा इस बात के लिए कि हम सारे कार्यकर्ता मिलकर उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए कल जिस तरह से घटना हुई है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है, क्या आप लोग मांग करेंगे? क्योंकि देखिए एक तरफ मांग की गई है कि जो दोषी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिम्मेदारी जो है वो सुनिश्चित की जाए। जी हम बिल्कुल मांग करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि जो भी दोषी है उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा आने वाले समय में कोई भी किसी भी प्रकार की माननीय प्रधानमंत्री जी या अन्य किसी भी गणमान्य जो हमारे जो प्रधान सेवक हैं उनके किसी प्रकार की चूक ना हो सुरक्षा में। ऐसे हम सुप्रीम कोर्ट से माननीय आप लोग क्या मांग करना चाहेंगे, क्योंकि मामला जो है अब कोर्ट में जा पहुंचा है। हम यही मांग करना चाहेंगे, जो भी षड्यंत्र था या जिसने भी साजिश करी है, हम किसी सरकार का नाम नहीं ले रहे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे कोई हो, उसकी जांच होनी चाहिए और सख्ती से निंदा होनी चाहिए, और जो भी दोषी है उनको पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, एक देश के प्रधानमंत्री की बात है। तो लेकिन यहाँ एक तरफ कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं चन्नी, वो कहते हैं कि नहीं अचानक से जो है लोग वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन रूट की जानकारी ये कैसे हाथ लगी इसके बारे में वो कुछ नहीं बता रहे। की जानकारी चीफ मिनिस्टर साहब को पंजाब पुलिस को ऑलरेडी दी जा चुकी थी, तो प्रदर्शनकारियों को वहाँ से क्यों नहीं हटाया गया? दूसरी चीज, सीएम साहब को फोन किया गया, वो फोन भी नहीं उठाया गया। तो ये जो सारी चीजें लिंकअप अगर हम करें तो साफ साफ पता चलता है ये एक षड्यंत्र है। चूक का नाम देकर आप बेनिफिट ऑफ डाउट ले सकते थे, लेकिन जब बहुत सारी चीजें एक क्यू में आ जाती है इकट्ठी, तो चूक का नाम देने से सरासर गलत होगा, अपनी जान बचाने वाली बात है। इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कोई नॉर्मल एक रोड का दौरा नहीं था, एक देश के प्रधानमंत्री है वो, तो पूरी सरकार की जिम्मेवारी थी। कांग्रेस सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है, लेकिन 24 घंटे होने के हुए हैं लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, सिर्फ फिरोजपुर के एसपी को सस्पेंड किया गया। जी बिल्कुल, वो अब सस्पेंड करेंगे, एक दो सस्पेंशन करेंगे, क्योंकि उनको अपनी भी जान बचानी है। क्या आप लोग क्या मांग कर रही है? सर हम बिल्कुल मांग कर रहे हैं, जो भी षड्यंत्रकारी है, आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनीबॉडी, बट जो भी षड्यंत्रकारी है और जिसने इतना ज्यादा पाप पूर्ण कर्म किया है, क्योंकि ये पाप ही है, आप देश के प्रधानमंत्री के साथ, जो कि ना सिर्फ इंडिया में अपना काम कर रहे हैं, अपितु आप देख सकते हैं कोरोना काल में शायद पहला कंट्री थी इंडिया जिसने वैक्सीन का निजात करके कितनी सारी कंट्रीज को उन्होंने रिलीफ दिया, राइट? तो प्रधानमंत्री जी पूरे देश में अपना लोहा मनवा चुके हैं। आप ऐसी पुण्य आत्मा के लिए अगर आप षड्यंत्र चाहते हैं, उनको खून में अपने हाथ रंगने के बारे में सोचते हैं,
तो ये अब बिल्कुल उनको इम्प्रिजनमेंट या जो भी है उनके खिलाफ पूरी एक CID या फिर कोई भी एजेंसी डिप्लॉय करनी चाहिए, चाहे वो कोई सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो, सिटिंग जज हो या कोई भी एजेंसी हो, आप उनको लगाएं काम पर और पूरी जांच पड़ताल होने के बाद उनको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए। तो ये तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कि मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से ये कल की घटना हुई है वो अचानक से नहीं हुई है, ये प्री प्लान का हिस्सा है। तो तमाम यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता जो है दिल्ली के तमाम इलाकों से पहुंचे हुए हैं, और तस्वीर अगर आपको दिखाएं तो देखिए किस तरह से यहाँ महामृत्युंजय का जो जाप है।